नीमच जिले के मनासा तहसील अंतर्गत आने वाले हाथी बुजुर्ग निवासी नेहा जोशी 14 माह से लापता है और बेटी के घर वापसी को लेकर पिता लंबे समय से कलेक्टर कार्यालय पर आमरण अनशन पर है। बेटी नेहा जोशी की घर वापसी को लेकर नीमच शहर में अब आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस नेता तरुण बाहेती के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया है। इस हस्ताक्षर अभियान पत्र में उन्होंने नेहा जोशी की घर वापसी और न्याय की मांग की है। हस्ताक्षर पत्र में लिखा है कि पिछले 14 माह से अपहृत नीमच जिले की बेटी नेहा जोशी कहाँ है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस की लचर कार्यशैली से परेशान नेहा जोशी के पिता राकेश जोशी अपनी बेटी का पता लगाने पिछले 14 माह से भटक रहे हैं और पिछले 18 दिनों से नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई संगठनों ने नेहा जोशी का पता लगाने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन नेहा जोशी का कोई पता नहीं लगाना चाहता। आज एक बेटी गायब है, कल ऐसा किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। जिला पुलिस प्रशासन को जगाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया है। इस न्याय की लड़ाई में हम सब साथ हैं। हम सब की मांग है कि लापता नेहा जोशी का शीघ्र पता लगाकर उनके परिवार को सौंपा जाए। नेहा जोशी वापस लाओ अभियान के अंतर्गत हम हस्ताक्षरकर्ता आपसे न्याय की आशा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, नीमच।